वेलकम गैलेक्सी स्कॉलर्स टू अनदर लेक्चर ऑफ आवर असाइनमेंट एक्सप्लेनेशन। सो जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने साइंस का कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, आज मैं सोशल साइंस से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जिसमें फर्स्ट आपके FIB हैं, फिर ट्रू ऑफ फॉल्स मैचिंग, चूज द करेक्ट आंसर, जो टोटली फोकस करते हैं कि किस बेसिस पे, यानी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में भी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि अवर नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ डैश डैश एंड डैश। जो हमारा करेंसी है उसमें मेनली आपको कौन से जानवरों के फिगर दिखाई देते, कौन से एनिमल के जिसके वैल्यू है। तो आपने अगर चैप्टर ठीक से रीड किया हो तो उसमें आपको मिलेगा कि बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिपेक्ट करते हैं अपनी करेंसी को। इसमें फर्स्ट आपको 4 लायंस है, हॉर्स है, एलिफेंट एंड बुल है। द वर्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर, तो हमारे इंडिया कंट्री में लोक माता वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, तो रिवर के लिए यूज किया जाता है, नदियों के लिए यूज किया जाता है। ब्लैक और डैश सॉइल कवर अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। अब जो टोटल एरिया है इंडिया का, ठीक है, उसमें ब्लैक और डैश सॉइल, तो यानी ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम भी है, ठीक है, उसको हमें बताना है। तो इसका नाम क्या है, रिगर सॉइल। क्या है, रिगर सॉइल, जो कि कितना परसेंट कवर किया है, 15% कवर किया है अपने इंडिया के एरिया को। द रिसोर्स अवेलेबल एट वन और टू प्लेस इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड डैश रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या होता है, जिसकी यूटिलिटी है और कुछ वैल्यू है, उसका मतलब क्या है, रिसोर्स। अब ऐसे रिसोर्स जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक या दो जगह मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो सॉलिटरी रिसोर्स। ओके, सॉलिटरी रिसोर्स है। नेक्स्ट है, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वाज फर्स्ट प्रोफाउंडेड बाय डैश। जो गरीबी का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा लाया गया था, तो WHO के जो अपने डायरेक्टर है उनके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ट्रू और फॉल्स, इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेंड एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री एंड इट इज अनएम्प्लॉयड, ही इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कोई पर्सन है, उसके पास डिग्री भी है बट उसके पास जॉब नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा कि नहीं? यस, इसे क्या बोला जाएगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के 6 हमने मेजरली टाइप्स देखे हैं। ओके, उसमें ये अपना एजुकेटेड एक है। बिहार स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी। अब जो बिहार राज्य है क्या उसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, क्या पुअर लोग सबसे ज़्यादा, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आपके फॉल्स आएंगे, चेंज होता रहता है, ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं। अब कांस्टेंट रेट से नहीं होते कि कह सकते हैं कि सडनली, बट टाइम लगता है। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। यस, सॉइल कंजर्वेशन मतलब होता है क्या, तो सॉइल इरोजन मतलब क्या है, जो अपर लेयर होता है अपने सॉइल का उसका हट जाना, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, जो वही हट जाएगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो सॉइल कंजर्वेशन में क्या होता है कि हम सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इरोजन और उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखे, तो उसे क्या कहा जाता है, सॉइल कंजर्वेशन। तो वो क्या है, ट्रू है। हिंदी लैंग्वेज डस नॉट बिलोंग टू द ड्राविडियन लैंग्वेज ग्रुप। जो हिंदी लैंग्वेज है वो बिलोंग नहीं करता है क्या ड्राविडियन लैंग्वेज के पीपल के, तो उसमें क्या आएंगे, ट्रू। यस, वो ड्राविडियन लोगों के नहीं है। ऑस्ट्रेलियाड आर कॉल्ड हप्सी पीपल। क्या ऑस्ट्रेलियाड को क्या कहा जाता है, हप्सी पीपल कहा जाता है, फॉल्स। ठीक है, उनके नाम फॉल्स में आते हैं। मैचिंग दिया है निग्रिटोइड, एस्ट्रोलॉइड आपके ड्राविडियंस हैं, मंगोलॉइड हैं आपके आर्यंस हैं, तो पर्टिकुलर मैंने फीचर्स रखे उसके हिसाब से आपको क्या करना है, बताना है। तो निग्रिटोइड है अपने जो हैं उनका क्या मेन फैक्टर क्या है, मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन है, क्लियर है मेरी बात। ऑस्ट्रोलॉइड हैं जो आपके क्या हैं, उनको किसमें इंक्लूड किया जाएगा, आपके ब्लैक स्किन विथ अ ब्रॉड हेड, उनकी जो चमड़ी होती है क्या होती है, ब्लैक होती है, और जो हेड क्या होता है, चौड़ा होता है। ड्राविडियंस क्या है, आपके सिंधु वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। मंगोलॉइड हैं आपके, वो किससे बिलोंग करते हैं, कीरट से। जो आपके आर्यंस हैं वो क्या है, सप्त सिंधु हैं।
डैश एंड चूज द करेक्ट आंसर. आपके डैश एंड डैश आर वर्शिप इन इंडिया. किसको हम हमारे इंडिया में वर्शिप किया जाता है, पूजा किया जाता है, तो बनियान एंड पीपल ट्री, बी तुलसी एंड मनी प्लांट, सी जू एंड जैस्मिनम, एंड डी लोटस एंड मोगरा. तो आप देखेंगे ऑप्शन ए आएगा, बनियान एंड पीपल ट्री को पूजा किया जाता है. अमॉन्ग गिवन फॉलोइंग ऑप्शन विच इज वल यूनिवर्सल रिसोर्स. यूनिवर्सल रिसोर्स मतलब वो हर जगह मिलता है. तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, लैंड एंड सॉइल, ऑप्शन सी क्रायोलाइट, एंड ऑप्शन डी आपके कोल. क्लियर है मेरी बात? तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन क्या होंगे, ए होंगे. बिकॉज ए क्या होता है, हर जगह हमें मिलते हैं. जो आपके ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कहीं भी जाइए आपको मिलेंगे ही, लैंड अपने यूनिवर्सल लैंड मोस्ट जगह मिलते हैं. जैसे सॉलिटरी रिसोर्स से बहुत ही कम जगह मिलते हैं, यानी कि अराउंड एक टू वन टू टू प्लेस. बट जो आपके ये गैसेस है हर जगह मिलेंगे, बस कहीं वैक्यूम हो तो वहाँ पे नहीं होंगे, बिकॉज वहाँ पे कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ब्लैक सॉइल कंटेंट डैश, तो ब्लैक सॉइल के अंदर कौन से ये पर्टिकुलर मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा है? ए आयरन पोटाशियम एल्यूमिनियम, बी आयरन मैग्नीशियम कार्बोनेट पोटाश, सी वीड मेज एंड बार्ली, एंड डी फॉस्फेट. तो ये चारों ऑप्शन में से कौन से आपके आएंगे, तो आपके ऑप्शन बी है. क्लियर है मेरी बात? आयरन मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट एंड पोटाश. फोर्थ, इन विच इंडियन स्टेट इज द रोल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड टू बी द हाइएस्ट. हो तो अपने इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट में है जिसमें बेरोजगारी का जो दर है बहुत ही ज़्यादा है? तो बिहार, झारखंड, केरला एंड छत्तीसगढ़. तो ये चारों ऑप्शन में से कौन से आपके आएंगे? छत्तीसगढ़. फिफ्थ, देर आर डैश टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कितने टाइप के बेरोजगारी? तो छह टाइप के बेरोजगारी हैं. अब डिफरेंस बिटवीन जो आपको दिया गया है कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज, सो इसके बीच का डिफरेंस यही है. कल्चरल हेरिटेज इज एसोसिएटेड विद द मैन मेड थिंग एंड द थिंग्स विच आर फाउंड ड्यूरिंग द डिफरेंट फेसेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. हेरिटेज मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे एंसेस्टर से हमें मिला, एंसेस्टर से. अब कल्चरल हेरिटेज उसे बोला जाएगा जो मैन मेड थिंग्स है, यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, और ये चीज़ हमारे धरोहर के पार्ट में है, तो उसे क्या बोला जाएगा? कल्चरल हेरिटेज. और जो नेचुरल हेरिटेज है, ऐसे हेरिटेज जो हमें किसने से मिल रहा है, नेचर में से मिल रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? नेचुरल हेरिटेज है. अब सेकंड है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो छह मेजर उसके टाइप है, सीजनल है, फ्रिक्शनल है, स्ट्रक्चरल है, डिसगस्ट है, इंडस्ट्रियल है एंड एजुकेटेड है. तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेफिनेशन मांगा, यानी कि पढ़े लिखे लोग तो हैं, उनके पास डिग्री भी है, बट उनके पास स्किल नहीं रहता, इसलिए क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते. तो उन्हें क्या कहा जाता है कि अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनहांस लिवलीहुड फॉर फैमिली और एडल्ट लिविंग रूरल एरियाज ऑफ स्टेट हु कैन डू फिजिकल लेबर एंड अनस्किल बट आर विलिंग टू डू वर्क. तो मनरेगा में ऐसे लोग इंक्लूड होते हैं जिनके पास स्किल तो नहीं है बट वो चाहते हैं कि काम करने के, तो किसमें आते हैं मनरेगा. और मैंने आपको यहाँ पे पेज नंबर ही बता के रखा हुआ है, पेज नंबर 139 है, चैप्टर नंबर 17. तो आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा. रिसोर्सेस क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है. जिसके वैल्यू है, जिसके यूटिलिटी, उसे क्या बोला जाएगा? रिसोर्सेस. अब कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया? रिसोर्सेज एज अ फूड, एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एंड रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेस. अब आपको इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स भी लिखना है जो आप लिख लेंगे, बिकॉज आपको सब बता के रखा हुआ है, एक्सप्लेन भी किया गया है. कौन से तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सॉइल इरोजन मिटा सकते हैं? तो सॉइल इरोजन आपको पता है कि अपर लेयर जो है सॉइल का हटने को क्या कहा जाता है? सॉइल इरोजन, यानी कि जो अपना सॉइल है उसका अपर वाला लेयर क्या होता है? हवा और वाटर की वजह से क्या होता है? हट जाता है. अब नुकसान यह है कि बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, वही हट जाएगा तो कैसे उसमें खेती होगी? तो कौन से तरीके से हम क्या कर सकते हैं सॉइल इरोजन मिटा सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आपके पॉइंट्स दिए हैं. कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन दी लैंड. तो ग्रेजिंग एक्टिविटी जो है ना, जो चरने का जो है, जो गाय बकरियाँ जो चरती है, उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है. बिकॉज जो सॉइल में
जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं ना, फर्न्स होते हैं ना, मोसेस वो बांध के रखते हैं सॉइल को, क्लियर है। जब हवा आता है, वाटर आता है, उसको मूव नहीं करता है। प्लांटेशन शुड बी कैरीड आउट इन अ कॉन्टूर मेथड इन अ स्लोपी रीजन। स्लोपी जो रीजन है आपके, उसके अंदर कैसे मेथड में प्लांटेशन करना चाहिए, कंटूर मेथड में प्लांट